हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल वाला बटन दबाइए और साथ में बेल के आइकन को इनेबल कर दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सोचो नारो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की कुछ ताज़ी खबरें जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सऊदी AFDA ने कहा है कि 55% लोग ऐसे हैं जो लोग सामान खरीदते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट नहीं देखते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामान खरीदने के बाद तुरंत खा लेते हैं लेकिन उसका एक्सपायरी डेट नहीं देखते हैं। AFDA ने कहा है कि अगर कोई भी सामान खरीदो सबसे पहले उसका एक्सपायरी डेट चेक करो, अगर सामान एक्सपायर होगा और आप खा लोगे तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। सऊदी माहरीन ने बताया है कि सिगरेट पीने से मर्दों से ज़्यादा नुकसान औरतों को होता है। सिगरेट पीने वाली औरतें 11 बीमारियों में शामिल हो जाती हैं। खबरदार किया गया है कि दिन में एक सिगरेट पीने से दिल में खून का जमने का खतरा 48% हो जाता है और दिमाग में खून जमने का खतरा 25% बढ़ जाता है। हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, इसके अलावा जोड़ों में सूजन आ जाता है, और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो सिगरेट पीने से औरतों को पकड़ लेती हैं। रियाद पुलिस ने कहा है कि छुरा लेकर घूमने वाले शख्स की गिरफ्तारी कर ली गई। यह शख्स फार्मेसियों को लूटा करता था। पुलिस का कहना है कि हमलावर एक सऊदी है, उसकी उम्र 31 साल की है। उसने कबूल कर लिया कि वो फार्मेसियों को लूटा करता था और उसके पास से पैसे भी बरामद कर लिए गए। एक 30 साल सऊदी ने मशरिकी रीजन में एक सऊदी को गोली मारकर उसकी जान ले ली। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी जब्त कर लिया गया है। लाश को अस्पताल के हवाले कर दिया गया, जबकि हमलावर को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। शाही इजाज़त के बाद पूरे देश में महिलाएं गाड़ी चलाने को 10 सवाल से तैयार है, यानी 3 दिन के बाद महिलाएं गाड़ी चलाने लगेंगी। अमेरिका की राइस यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स के तहत एक जायजा तैयार किया गया है और पता चलता है कि सऊदी अरब में महिलाओं को ड्राइविंग की इजाज़त देने से समाज में बहुत सारे बदलाव आएंगे। लाखों महिलाएं एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकेंगी। स्कॉलर्स ने नोट किया है कि इस फैसले के अंजाम के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सऊदी हुकूमत के अपने इस फैसले पर कई चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि 60 लाख महिलाएं ड्राइविंग के लिए एक साथ मैदान में उतरेंगी। जो महिलाएं ड्राइविंग के लिए तैयार हैं उनकी आबादी 65% है। इतनी बड़ी तादाद में गाड़ी चलाने से पेट्रोल भी महंगा होगा और ट्रैफिक हादसा भी ज़्यादा होगा। लाखों महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाज़त देना एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। माहरीन समाज का कहना है कि लाखों महिलाओं के गाड़ी चलाने से इससे बच्चों की देखभाल बेहतर होगी और बेरोजगारी कम होगी और लाखों विदेशी ड्राइवर अपने वतन वापस लौट जाएंगे। मक्का मुकर्रमा शहरी दफा ने खबरदार किया है सऊदी और अजनबी को के घरों और गेस्ट हाउस में स्विमिंग पूल के खतरों से बच्चों को बचाने का इंतजाम करें। शहरी दफा के तर्जुमान कर्नल सईद सराहा ने कहा है कि दो बच्चे जो 10 साल से कम उम्र के थे पिछले 3 दिन पहले स्विमिंग पूल में तैरने के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि 4 बच्चों को उनके घर वालों ने बचा लिया। तबुक के एक इमारत की गोदाम में आग लग गई थी। सिक्योरिटी फोर्स ने हादसे पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की। इस मौके पर वहां 3 बच्चे फंसे हुए मिले जिनको निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया गया। महकमे मौसम ने कहा है कि मदीना मुनौरा के इलाके में और मदीना मुनौरा के आसपास के शहरों में पानी बरसने की उम्मीद की गई है और तेज़ धूल वाली हवाएं भी चलेंगी। सऊदी शहरी और अजनबी लोगों को होशियार रहने को कहा गया है।